आज मैंने क्या था कि ओवेरियन सिस्ट के सिनेरियोस कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है, वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो के मोर लेस अंडरस्टूड ये है कि एक ना एक शॉर्ट स्टेशन तो आएगा उस पे, शॉर्ट केस ना, यानी कि जैसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड है, एनीमिया है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, इस तरह से एक ओवेरियन मास या ओवेरियन सिस्ट का आएगा। कुछ ना कुछ हर वक्त कंफ्यूजन रहती है इसका डीडी बनाने में, मैनेजमेंट इन प्री मीनोपॉज, इन पोस्ट मीनोपॉज वेमेन, तो वो सारा थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई कोई वॉलंटियर अगर करना चाहता तो सिनेरियो में देती हूँ। पहले प्री मीनोपॉज का कर लेते हैं, उसके बाद हम पोस्ट मीनोपॉजल का कर लेंगे। पोस्ट मीनोपॉजल का कंपैरेटिवली इसलिए आसान है क्योंकि उसमें एक तो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं इतना होता, डायग्नोसिस बनाना आसान है और मैनेजमेंट को इतनी मुश्किल है नहीं। प्री मीनोपॉज में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, बाद डायग्नोसिस भी बनाना, फिर उसकी मैनेजमेंट कंजर्वेटिव रखते हुए अगर करने की जरूरत हो तो। अगर कोई वॉलंटियर कर ले तो बताएं, फिर अस्सलाम शुरू वालेकुम करते हैं। मैम, मैं जी वालेकुम सर। वॉलंटियर ठीक है डॉक्टर आपदा है ना, सो लेट्स जी बिगिन मैम। देन। चलो आपदा, अगर कोई आपके पास अपना सिनेरियो इन एनी टाइप ऑफ ओवेरियन सिस्ट, अगर पोस्ट मीनोपॉजल या मीनोपॉजल, तो आप प्री मीनोपॉजल बता दो, वरना फिर मैं आपको सिनेरियो दे देती हूँ। मेरे पास इस वक्त तो नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, एक बिल्कुल शॉर्ट सा आपको सिनेरियो दे रही हूँ, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, फिर हम कर लेंगे। सो 27 ईयर्स ओल्ड, मैरिड फॉर 2 ईयर्स, नली पेरिस विद ओवेरियन सिस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड 7 x 6 cm विद सेप्टी। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट केस के हिसाब से करो तो इफ यू कैन स्टार्ट विद द हिस्ट्री, शॉर्ट सी बता दो, उसके बाद मैं मैम ज्यादा मैम इंटरेस्टेड हूँ जी जी डीडी मैम वगैरह में। बस मुझे 1 मिनट, मैम 1 मिनट दे, मैं ना अपने हेडफोन चेंज कर लूँ। कर लें, पहले हम प्रीमेनोपॉजल में कर लेते हैं क्योंकि बेसिकली इसमें डीडी का और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट थोड़ी सी मैम सिनेरियो कंफ्यूजिंग हो रिपीट सकती है। कीजिएगा, सिनेरियो रिपीट कीजिएगा। सिनेरियो है 27 ईयर्स ओल्ड, मैरिड फॉर 2 ईयर्स, नली पेरिस विद ओवेरियन सिस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड 7 x 6 cm विद सेप्टी। सो हाउ विल यू इवेलुएट हर रिगार्डिंग हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस, पहला तो ये है, फिर मैनेजमेंट उसके बाद करेंगे। मैम आपने कहा है 27 ईयर्स ओल्ड है, अनमैरिड फॉर 2 ईयर्स है, नली पेरिस और 6 x 7 cm की सिस्ट है अल्ट्रासाउंड के पास। विद सेफ्टी। विद सर मैं म्यूट सबको कर सेफ्टी रही हूँ, जब आपदा आप म्यूट अपने आप को कर लोगे। जी जी आपदा जी स्टार्ट जी करें। जी मैम हाउ विल यू इवेल्युएट हर रिगार्डिंग मैम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस। आफ्टर बायोडेटा आई विल आस्क माय पेशेंट द प्रेजेंटिंग कंप्लेन फॉर विच ही हैज प्रेजेंटेड टू द जनरल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड हैज टू इंसिडेंटल एनी कंप्लेन। फाइंडिंग है अल्ट्रासाउंड पे। ओके मैम, मैम आई वांट टू नो एनी टाइप ऑफ पेन और एनी टाइप ऑफ मैस फीलिंग एंड एनी टाइप ऑफ नोजिया वॉमिटिंग एंड एपिगेस्ट्रिक पेन और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन और एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया एंड ऑल्सो वॉन्ट टू नो एनी टाइप ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज इज शी यूजिंग एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड एनी टाइप एनी हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और एंड ऑल्सो वॉन्ट टू नो एनी फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एनी ब्रेस्ट ओवेरियन कोलोरेक्टल एंड ओवेरियन कार्सिनोमा। मैम 1 मिनट मैम। कोई बात नहीं। चलो कोई और अगर इस पे कर ले अगला मैं ले सिनेरियो, लूँ अगले मैम, में। हाँ मैं आप ले ले लूँ। लो फायजा, हाँ आप ले लो, अच्छा फिर अब इसकी मैनेजमेंट हम आपदा से कर लेंगे। जी ठीक है इवेल्युएशन मैम, एंड हिस्ट्री, पहले एग्जामिनेशन एंड मैम इन्वेस्टिगेशन। पहले इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी मैम। ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है तो इसका ड्यूरेशन पूछ लेंगे, कब इसकी कब फाइंडिंग आई थी। ठीक है, इसके अलावा एब्डोम एसोसिएशन हम गुड पूछेंगे। ठीक है, एसोसिएशन पूछेंगे, एब्डोमिनल मास है, पेन है, और लोअर एब्डोमिनल पेन हो गया। इसके अलावा हम इसके एसोसिएशन पूछेंगे, विजाइनल डिस्चार्ज का हम पूछ लेंगे इसके साथ।
फिर मैस अपडाउन हो गया, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी नॉट क्यूरिया डिस्यूरिया पूछेंगे, हेजिटेंसी इंटरमिटेंसी और इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट यूरिनेशन और इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर है और बर्निंग सैचुरेशन हो जाएगी, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा इसका, हेमरॉइड्स है कि नहीं है, या फिर टेनेसमस है, डिस्केजिया है, मेलिना है, इसके अलावा हम पूछेंगे वेट लॉस की हिस्ट्री इसकी, ठीक है, फ्यूचर में वेट लॉस आ जाएगा, एपेटाइट लॉस हो जाएगा इसका और अर्ली सेटाइटी आ जाएगी इसकी, इसके अलावा हम हेडेक पूछेंगे, चेस्ट में हम इसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पूछ लेंगे और लेथार्जी इनफटिगेबिलिटी वो पूछ लिया हमने, उसके बाद हम जॉन्डिस की हिस्ट्री लेंगे, जॉन्डिस की हिस्ट्री लेंगे हम इसकी, जॉइंट पेन की लेंगे, लेग स्वेलिंग की लेंगे और इसके अलावा जो है वेरिकोसिटी इसकी ले लेंगे, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री आएगी इसकी, एनी मेडिकल डिसऑर्डर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, एनी एस्थमा, क्रॉनिक रीनल एंड लिवर डिजीज एंड ऑल्सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी ब्रेस्ट, ओवेरियन, कोलोरेक्टल एंड यूट्राइन ग्लैंड. Mm-hmm. And after that, these she is nearly para, and 2 years from marriage, so ovulation induction is nearly. Fertility issue kya hai iska, coital frequency iski kya hai, quality kya effect pada iski life pe, theek hai na? Ye ho gaya. Iske alawa iski diet kaisi hai, aur socio economic history mein aa jayega ki iska husband kya karta. That's all. Theek hai, good. गुड हिस्ट्री आपने बड़ी अच्छी बताई है, इसी चीज को ठीक था, अच्छा था, मतलब ये ऐसा था कि अगर शॉर्ट केस हो तो पासिंग मार्क्स तो है, बट इसको और भी अच्छा अगर किया जाए. हिस्ट्री नहीं थी मैम, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री नहीं थी, डिसमेनोरिया मैं बताने लगी हूं, मेंस्ट्रुअल की और ऑफ बड़ी क्विकली मेंशन कर दिया, जिसमें मैंने यही बताना था कि जहां पेन की बात कर रहे हैं उसमें कहीं साथ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और उससे रिलेशन भी आ जाए, बहुत कुछ ही है इसमें. लेकिन इसमें जो देखो, एक सबसे पहला जो सवाल होना चाहिए ना कि अल्ट्रासाउंड कराए क्यों, बेशक इंसिडेंटल फाइंडिंग थी, 27 इयर्स ओल्ड में उसे क्या कोई तो सिम्टम हुआ होगा ना, मे बी सब फर्टिलिटी, क्या पता. तो अगर सब फर्टिलिटी की वजह से कराया तो वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आ गया, राइट, बेशक सिस्ट वाज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग, लेकिन कुछ तो कोई बैठे बैठे 27 इयर्स में जाके अल्ट्रासाउंड तो नहीं अपनी करा लेता अगर कुछ भी ना. सो नंबर वन इज के व्हाई द अल्ट्रासाउंड वाज डन, राइट, अगर सब फर्टिलिटी है तो उसकी सब फर्टिलिटी साथ में आ गया. नाउ आई हैव गिवन यू द फाइंडिंग ऑन अल्ट्रासाउंड, ये एक थोड़ा अनयूजुअल बात है, आपका डिफर कर रहा है, डिफरेंट है सिनेरियो फ्रॉम द लॉन्ग केस. लॉन्ग केस में यू डोंट हैव द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इसके अंदर आपको शुरू में ही अल्ट्रासाउंड. अब ये सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया आपके एग्जाम का ना, कि इसमें आपको पहले ही एक इंसिडेंटल फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड की दी हुई है, तो इसलिए अब आपकी जो हिस्ट्री, नाउ यू नो इट्स अ केस ऑफ एन ओवेरियन सिस्ट, मे बी अ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट, लेकिन अब इसकी अगर आप हिस्ट्री अब उसके पैटर्न में ले सकते हो, यानी कि अब आपका एक फोकस्ड हिस्ट्री हो जाएगी, यू नो के आपने चलो सब फर्टिलिटी की वजह से फॉर एग्जांपल उसने कराया, बट अगर आप मैथ से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हो, यस पेन इज नॉट ओनली पेन, आप उसको फिर अपने माइंड में एक डीडी बनाओगे कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट इन 27 इयर्स ओल्ड विद सब फर्टिलिटी, की क्या हो सकता है, उस डीडी के मुताबिक अब आपने उसकी हिस्ट्री पहले डीडी के मुताबिक लेना है, फिर अगर उस डीडी के अंदर सीए आया तो फिर सीए के रिस्क फैक्टर्स और उससे रिलेटेड सिम्टम्स. आपकी बहुत हैपहैज़र्ड थी, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स ने बीच में बोला कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं थी, ये नहीं था. अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो यू विल नॉट मिस एनीथिंग. तो और जैसे कि मैंने बताया, दीज आर द केसेस जिसमें आपको 8 या 9 out of 10 उस स्टेशन में लेने बहुत जरूरी है, ताकि आपके आगे कवर हो जाए मार्क्स. सो अगर फॉर एग्जाम्पल 6 पासिंग मार्क्स है, तो उसमें एटलीस्ट आप अपना 8 या 9 का टारगेट करो, ताकि आपके बाकी स्टेशन अच्छे हो जाए, अगर पास एग्जाम का आप सोचो उस लिहाज से. तो उस इसके अंदर फिर आपने स्टार्ट किया प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से कि व्हाई द अल्ट्रासाउंड वाज डन, जिसमें इंसिडेंटल, इफ इट वाज अ केस ऑफ सबफर्टिलिटी तो यस सबफर्टिलिटी की हिस्ट्री. अब देखो, अगर मैं अब ऐसे डीडी तो मैंने अलग एक स्टेशन बना के डिस्कस करना है, लेकिन चलो अगर यहीं पे बात करें तो यहाँ 2-3 डीडी तो बड़े क्लियरली बन रहे हैं ना, मे बी एंडोमेट्रियोसिस है, मे बी कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, etcetera etcetera. तो उसके अंदर अगर आप endometriosis है तो उसमें आप pain को emphasize, it's not just that she is having pain or feeling of lump, 7 into 6 centimeters, चलो feeling of lump कभी, लेकिन pain को फिर वही elaborate करो, जिससे समझ आ जाए examiner को कि आपके mind में endometriosis का DD, right? और pain periods के साथ associate करो, फिर pain को आप associate करो उसके साथ क्या उसे कहते हैं dyspareunia के साथ, dysmenorrhea और urinary और bowel symptom, instead के urinary इतने लंबे symptoms बोल दिए, incomplete emptying of urine,
आई डोंट थिंक सो 7x6 सेंटीमीटर क्या सिस्ट उसको कर रही होगी ना उस वक्त. तो इतनी डिटेल उसके बजाय अगर आप इस चीज पे पीरियड्स के साथ एसोसिएट करो पेन को, देन साथ ही देखो डीडी में क्या आ रहा है. एक आ रहा है एंडोमेट्रियोसिस. एक चीज आपने बहुत ही अच्छी बोली जिससे कि जो काफी इंप्रेसिव थी कि ओवुलेशन इंडक्शन. कहीं ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन वाली ओवरी तो नहीं है जो इतनी बड़ी हुई हुई है. सो ओवुलेशन इंडक्शन की आपने हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद आपने उसका बाकी का डीडी जैसी है कि आपने लिया हिस्ट्री लेकिन कुछ ज्यादा ही डिटेल, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था आपका डीडी के हिसाब से चलना. फिर यहीं पे एचओपीआई में आप डिटेल पूछोगे, जैसे आपदा ने शुरू किया था, आपदा ने शुरू में ही वो पूछ लिया, वो नहीं शुरू बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरली सीए, इट कैन बी सेप्टम, वो सेप्टा वाली सिस्ट, इट कैन बी एंडोमेट्रियोसिस, इट कैन इवन बी क्या पता डाई हैंडलिंग के बाद कोई एब्सेस ही ना बना उसको, उससे भी रिलेटेड आप पूछोगे. सो देयर आर फ्यू, तीन चार डीडी है जिसके मुताबिक आपने चलना. उसके बाद जब आप उसके रिस्क फैक्टर्स पूछ रहे हो, वो बाद में जाके सीए के आएंगे ना. देखो अनकॉमन थिंग्स हैपन अनकॉमनली. आप अपना सीए बेशक जरा नीचे लेवल पे रखो, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग दी है, मैंने कोई ट्यूमर मार्कर्स तो दिए नहीं कि हम कंफर्म हो जाएं कि ये वो वाली सिस्ट है, क्या उसे कहते हैं इसके वाली सीए वाली सिस्ट है ना. तो आप इसको एंडोमेट्रियोसिस के सारा डिटेल पूछो, आप उसे डाय हैंडलिंग की डिटेल पूछो, ओवुलेशन इंडक्शन की डिटेल पूछो, और फिर सीए के सिम्टम्स पूछो. उसके बाद कंसिडरिंग सी है, फिर आप उसके रिस्क फैक्टर्स रूल आउट करोगे कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या ली उसने या फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसके अंदर तो पिछली कंसेप्शन ही नहीं है, वरना हम ब्रेस्ट फीडिंग की भी हिस्ट्री पूछते हैं, तो वो सारा कुछ. और ये भी हो सकता है कि उसने क्या पता अभी तक मैरिड फॉर 2 years है और उसने कंसीव करना भी मतलब पहले कॉन्ट्रासेप्शन लेती रही हो और अभी उसका कंसेप्शन का हुई ना, और वैसी बेस लाइन उसने एक अल्ट्रासाउंड करा लिया, फिर सब फर्टिलिटी की डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी. लेकिन अगर सब फर्टिलिटी का आ रहा है तो फिर यस अगेन उसकी फीमेल की पूरी, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज ओनली ना. तो पेशेंट की मसले में सब फर्टिलिटी विद सिस्ट है, तो सब फर्टिलिटी में हस्बैंड की हिस्ट्री भी आ जाएगी और पेशेंट की अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगी. ठीक है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको शॉर्ट केस सिनेरियो में अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट दे दी गई है, तो फर्स्ट मेक अ डीडी इन योर माइंड कि ओके दिस इज अ सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट इन अ 27 इयर्स ओल्ड हु हैज सब फर्टिलिटी एज वेल, क्या क्या हो सकता है. उसके हिसाब से आप बोलना शुरू करो कि अगर आप पेन बोल रहे हो तो एंडोमेट्रियोसिस, आपने वर्ड तो नहीं बोलना लेकिन आपने आपकी हिस्ट्री से पता चल जाए एग्जामिनर को कि अब एंडोमेट्रियोसिस का डीडी इसने पूरा किया. नंबर टू पे इसने एब्सेस की हिस्ट्री ले ली, कोई फीवर नहीं है उसको, लॉस ऑफ एपिटाइट नहीं है, सेप्टिक सारे फीचर्स नहीं है. सेकेंडली उसका दाई हैंडलिंग की हिस्ट्री नहीं है, क्या पता कोई दाई ने कोई डिवाइस ही रख दी हो जिसके बाद उसका सारा सेप्टिक वो एब्सेस बन गया एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हिस्ट्री नहीं है. फिर नंबर थ्री में आप उसका मे बी ओवुलेशन इंडक्शन, विच इज वेरी कॉमन नाउडेज कि वो विदाउट एनी मॉनिटरिंग या खुद से भी अब पेशेंट्स तो नेट से पढ़ के तो इतनी हाई डोज लेके ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन के साथ आ जाती है, बट अगेन दैट्स अ रेयर थिंग टू हैपन, इसलिए मैंने उसको नंबर थ्री पे किया. फिर उसके बाद आप उसका ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन में उसका आप सारा डिटेल पूछोगे, उसका वॉमिटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा कुछ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, और सबसे पहले तो ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑफ ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन अगर उसने ली हो, देन उसका सीए की आपने अच्छी सारी डिटेल बोल दी. तो और फिर रिस्क फैक्टर्स उसके सीए से रिलेटेड, और अगर सब फर्टिलिटी का केस है तो फिर सब फर्टिलिटी की सारी हिस्ट्री. सो इन दिस वे योर केस और योर हिस्ट्री विल बी कंप्लीटेड, जिसमें क्या आपके फुल वो फिर मार्क्स आए. और बस एक शॉर्ट सी एक टिप ये है कि अगर आपको शुरू में ही शॉर्ट केस के सिनेरियो में ही केस बता दिया गया है, इफ यू नो कि इसको सिस्ट है, या फिर अगर आपको शॉर्ट केस के केस सिनेरियो में ही बता दिया गया है कि ये फाइब्रॉइड है, देन या देयर इज अ मास इन द यूट्रस या कुछ ऐसा, तो उसके हिसाब से फिर फोकस्ड हिस्ट्री हो जाएगी. ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है. ठीक है, कोई और आपदा ने पूछ नहीं लिया था मैम, ये मैम आपदा ने पूछ नहीं लिया था, मैं समझी शायद आपदा ने बट अगेन वो तो ठीक है, लेकिन आपका सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर नीचे में आपका वो एग्जामिनर सुनने में दे विल मिस द पॉइंट्स और उन्हें लगेगा कि शायद आपने नहीं पूछा. एक सिस्टमेटिक तरीके से कि सुनने वाले को भी पता चले कि आप इस डीडी के हिसाब से चल रहे हो, राइट? तो फिर ठीक है. हम आपसे जो है ना अभी हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन वाला स्टेशन अब हम फायजा के साथ कर रहे हैं, आपसे मैं मैनेजमेंट का करूंगी. ठीक है, अब वो फायजा ने फिर वॉलंटियर कर लिया था, इसे अगला आपसे क्वेश्चन करती हूँ. किसी और ने हिस्ट्री में पॉइंट कर ले, आपदा को पूरा करने देना, कर ले आपदा भले. चलो मैम, तो मतलब कि हमने डॉक्टर फायजा कर ले, योर डिसीजन आप कर ले.
किसी ने ऐड करना है हिस्ट्री में कुछ और? मैम मैं जस्ट ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये हिस्ट्री में आपने एक ये जैसे टास्क दिया है, इसमें मतलब मैथ्स दिया है ना, तो हमें मैथ्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पेशेंट से पूछने हैं, क्योंकि एक अनमैरिड फीमेल है जिसके ऊपर अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक मतलब कि मैस आ गया है, जिसकी रिलेटेड हमें उससे फिर पेशेंट से सवालात पूछने, उससे रिलेटेड फिर हमें डीडी बनानी है। ठीक है जी, मैस तो नहीं, मैंने सिस्ट दी है ना अल्ट्रासाउंड पे। जी मैम, मतलब हाँ मैंने दे दी, मैंने सिनेरियो में ही आपको सिस्ट दे दी। आपको शॉर्ट केसेस में कईयों में आपको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग दी होगी, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट केस ना, उसके अंदर तो आपको कई दफा फोकस्ड अगर कोई चीज देखनी है या सिर्फ मैनेजमेंट देखनी है, जैसे आज भी शायद आपने डॉक्टर फरूख जमान की भी क्लास अटेंड की होगी, बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको डायग्नोसिस या केस दे दिया होता है और फिर उससे उससे स्पेसिफिक या उसका फोकस्ड आपने सारे फिर सवाल पूछने। ठीक है जी, फिर कौन कर रहे हैं? फायजा है आपका? मैम मैंने जो एक बनाया था ना इसका फॉर्मेट, तो मैंने इसको इस लिहाज से दिया था मैम, फॉर एग्जांपल अगर सिस्ट थी ना, तो मैंने सबसे पहले कम्प्लेक्स सिस्ट, उसके बाद टीबी, पीआईडी, उसकी डीडीज को और सीए को रूल आउट करने के बाद उसकी सब फर्टिलिटी जिसमें एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी और ओवुलेशन इंडक्शन और हस्बैंड हिस्ट्री को इंक्लूड किया। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी ऐसी ठीक है। लेकिन इसके अंदर फायजा ने बड़ी एक दो चीजें और भी आपके डीडी में ऐड कर दी, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का, उससे ओवुलेशन इंडक्शन की हिस्ट्री ऐड की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस किस्म के पेशेंट में, फिर उसके अलावा एक एंडोमेट्रियोसिस की इसमें ऐड कर लो। जी ठीक हो गया, ठीक है ना, चलो गुड। अच्छा चलो, अब मुझे इसका एग्जामिनेशन जल्दी से बताओ, बताओ आप बता दो। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम उसका मैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगी, जिसके अंदर मैं पेशेंट का उसके वाइटल्स चेक करूंगी, ब्लड प्रेशर, बीपी, पल्स, टेम्परेचर और उसका बॉडी मास इंडेक्स। उसके बाद मैम उसकी जो भी होगा उसका मैं पैलर चेक करूंगी, काइलोनिकिया, क्लबिंग, जॉन्डस वगैरह चेक करूंगी, उसकी ओरोडेंटल हाइजीन, थायराइड को चेक करूंगी और इसके अलावा उसकी बायलेटरल ब्रेस्ट को चेक करूंगी, एनी हुई मतलब लंप पेल्पेबल है या नहीं है, उसकी वेजिकुलर ब्रीदिंग चेक करूंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करूंगी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को चेक करूंगी, उसका एडिमा चेक करूंगी। देन मैं उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन चेक करूंगी, जिसपे इंस्पेक्शन के ऊपर मैं कोई भी देखूंगी, कोई मुझे स्टायर, स्कार मार्क वगैरह तो नहीं नजर आ रहा, कोई एब्डोमिनल साइट मतलब सॉरी कोई स्कार वगैरह तो नहीं फील हो रहा। उसके बाद मैं उसकी पल्पेशन करूंगी, पल्पेशन के ऊपर मैं पहले सुपरफिशियल एंड देन डीप पल्पेशन, जिसके ऊपर मैं ट्राइंग टू फील एनी टाइप ऑफ अ मैस, टेंडरनेस एंड अगर मैस फील होगा तो फिर उसकी मोबिलिटी और उसकी फर्दर करेक्टरिस्टिक्स या सॉलिड है, लो लिमिट रीचेबल है, टेंडरनेस है या नहीं है। और इसके अलावा फिर मैम मैं उसकी परकशन करूंगी, परकशन के ऊपर मैं उसको जो है ना कि फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट करूंगी कि उसकी सॉलिड है और रेजोनेंस को चेक करूंगी। और उसके अलावा फिर मैम उसका बाईमैनुअल एग्जामिनेशन, उसका स्पेक्लम एग्जामिनेशन आ जाता है, उसके बाद स्पेक्लम एग्जामिनेशन में सर्विक्स को देखूंगी, उसको कोई यानी टाइप ऑफ डिस्चार्ज, ब्लीडिंग वगैरह को देखूंगी। एंड बाई मैनुअल एग्जामिनेशन के ऊपर मैं सबसे पहले यूट्रस का साइज और उसका कंट्रोल चेक करूंगी और उसको देखूंगी कि वो टेंडर है, नॉन टेंडर है, फिक्स तो नहीं है और उसके एनी टाइप ऑफ नोड्यूल्स वगैरह तो नहीं प्रेजेंट वजाइनल वॉल्स के ऊपर कोई मुझे फील हो, और यूट्राइन मोबिलिटी। और उसके बाद मैम मैं उसके एडनेक्टा को चेक करूंगी, जिसके ऊपर आई विल ट्राई टू फील एनी टाइप ऑफ मतलब 7x6x7 सेंटीमीटर की सिस्ट है, तो मैम मोस्टली ये बाई मैनुअल पे अगर विदाउट मतलब सेपरेट यूट्रस है तो बाई मैनुअल पे इसको फील होना चाहिए, जिससे उसको मैं चेक करूंगी, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करूंगी, उसकी टेंडरनेस चेक करूंगी और सॉलिडिटी चेक करूंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, असल में उस वाले आपके ना सिनेरियो में टाइम इतना होगा नहीं कि आप इतनी लंबी चौड़ी बातें करो। आपने गौर से ना वो सवाल सुनना एग्जामिनर का और आपने वो सिनेरियो या अगर कोई रिटर्न सवाल वहाँ लिखा हो, नॉर्मली जो क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं जब स्टेशन पे आप जाओगे वो आपके सामने पेस्टेड होगा,
कि जिस तरह मैंने जो स्टेटमेंट बोली वो जुबानी बोलने के बजाय आपके सामने टेबल के ऊपर वो पेस्टेड होगा और फिर उसके बाद सवाल जवाब और प्रॉब्ली एक रोल प्लेयर होगा. सो द थिंग इज कि अगर आप उसका एग्जामिनेशन बोल रहे हो या करके दिखा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वो और बात है. लेकिन अगर बोलना है या अब देखो, अगर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन एक ही स्टेशन पे आ गए हैं और 10 मिनट है, तो हो सकता है आपने ये गौर से पढ़ना है उसके ऊपर सवालों में, या एग्जामिनर अगर पूछे तो सुनना है गौर से कि उन्होंने फोकस्ड टू द सिनेरियो बात की है. बिकॉज अगर बेसलाइन का तो फिर एक अलग स्टेशन हो जाएगा ना, कि बेसलाइन पूरी पूरा एग्जामिनेशन जो करोगे. सो अगर आपसे सिर्फ फोकस सवाल पूछा जाए, उसमें पल्स, बीपी, वाइटल्स, 27 इयर्स ओल्ड में विद 7-6 सेंटीमीटर सिस्ट, इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑन अल्ट्रासाउंड में, इतना कोई फोकस्ड है नहीं. यस, यू विल डू इट, ये बात नहीं है इस मरीज में. लेकिन अगर एग्जाम में उन्होंने फोकस पूछा है तो फिर फोकस बात करो. वो फोकस हुआ ये कि आप वाइटल साइटल्स बोलते रहे और असल बात भूल गए. भाई अगर आपके डीडी में सीए है तो बीएमआई सबसे पहले बोलना चाहिए था. तो फिर वो ये बात हो जाती है कि आपका थ्योरेटिकल रेलेवेंस थोड़ी सी पीछे रह जाती है बात की. तो अगर तो फोकस्ड है तो यू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी फोकस्ड थिंग्स जो कि आपको एग्जाम में फिर बोलना होगा, जैसे कि बीएमआई, लिम्फ नोड्स उसके कहाँ कहाँ पैल्पेबल है, पैलर ऑफ कोर्स, अगर पैलर है तो ठीक है, नहीं तो कोलोनिकिया और वो चीजें बोलने की क्या जरूरत. उसके बाद आप उसका ठीक है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैन बी रेलेवेंट, कि उसका साथ में कोई ब्रेस्ट हिस्ट्री अगर फैमिली हिस्ट्री हो या ये वो, तो वो रेलेवेंस उसकी बन सकती है. फिर पूरा सीवीएस की बात करना और वो सारा एंड पे जाके क्या हुआ कि बेल बज गई और आपका एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन ही रह गया जो कि हमारा मेन ही एग्जामिनेशन था. मुझे ऐसे लगता है कि एग्जाम में अगर एग्जामिनेशन, या तो वो सिर्फ एग्जामिनेशन का सिनेरियो होगा कि ये आपका पेशेंट है, इसके ऊपर क्या एग्जाम है, तो उसमें फिर यस, फिर आप उसका जनरल फिजिकल नहीं मिस कर सकते पूरा. लेकिन अगर वो सवाल ही हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन पे है, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड रेलिवेंट टू द सिनेरियो होना चाहिए उसका. उसमें फिर आपका बिल्कुल उससे फोकस्ड पॉइंट्स हो, ताकि जब आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बोल रहे हो तो उसमें एक भी, जैसे मैंने कहा कि अपना टारगेट रखो इस किस्म के स्टेशंस पे 8 out of 10 एटलीस्ट, ताकि आगे कवर हो. तो उसमें फिर आपका इतना सही होना चाहिए, बिकॉज यू आर टेलिंग द होल ऑफ द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यू मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली. और हाँ, हाँ की बात है, बेबी नामरी इसकी फैमिली पर प्रीवियस कार की हिस्ट्री है ना, इंसिजन की हिस्ट्री है ना, वो तो इतना एम्फोसाइज कार पे करने की क्या जरूरत है. सो मेरा तो था कि फोकस बात हो, तो ताकि हमें मैथ्स की आप, मैं सुनूं कि आप क्या क्या देख सकते हैं उसके अंदर, इफ यू विल फील फॉर द फ्लूइड और नॉट. एंड देन पेल्विक एग्जामिनेशन वॉज ओके, ठीक था वो. लेकिन वही बात है, पहले इतना कुछ सुनने को मिल गया कि शायद मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने बताई भी होंगी वो गौर से नहीं सुनी, क्योंकि एक लंबा स्टेशन हो गया ना एग्जामिनेशन. हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दोनों की एक ही में बात हो गई. अगर तो सिर्फ एग्जामिनेशन की हो तो फिर तो ठीक है, फिर सुनने वाले में भी इतना है स्टेमिना कि वो 10 मिनट में आपका एग्जामिनेशन डिटेल में देखेगा. तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम पैटर्न चेंज करने का वन ऑफ द मकसद ये भी है कि आपका फोकस कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए उस चीज से रिलेटेड. जब बहुत लंबी चौड़ी बात करें तो थोड़ी बहुत चीजें मिस भी हो जाएं तो वो अननोटिस्ड रह जाती हैं. लेकिन अगर वो बात ही सिर्फ उस चीज के बारे में हो रही हो, तो जैसे कि मैं आपने बीएमआई में, मैं तो सुनना चाहती थी कि आप स्टार्ट ही बीएमआई से करोगे और आप लिम्फ नोड्स की सेकंड नंबर पे बात करोगे, लेकिन आपने बात शुरू की वाइटल्स से और अलग अलग वाइटल्स बोले, फिर आपने बात पैलर कोयलो ने किया और इन चीजों की, तो अब आप खुद ही देख लो बिल्कुल ये केस से नहीं रिलेट कर रहा था, ठीक है ना. सो ये अब सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंटिन्यूसली आपके सामने टेबल पे चिपका होगा और उसी से ही रिलेटेड बात करनी है. आपने हर एक पेशेंट को नहीं वो बात करनी, ठीक है. और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वी हैव डन इट मेनी टाइम्स, बिल्कुल ठीक है, उसी तरह आपने करना है जैसे ये बोल रहे थे. और लेकिन उसके अंदर इट्स बेटर कि आप फ्लूइड को भी एक दफा देख लो, चाहे आप उसका शिफ्टिंग डलनेस की बात कर दो या आप उसका देख लो कि उसके फ्लैंक्स में किस तरह का परकशन नोट है, सिर्फ इतना ही बोल दो. और या फिर मे बी आपने परफॉर्म करके दिखाना. और फिर पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक एब्डोमिनल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन शुड बी सच एज कि एग्जामिनर रह ही ना सके, आपको 8 out of 9 out of 10 देना. इतना खूबसूरत होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन थिंग जो कि हमें हमारा डायग्नोसिस बनाता है. और वही तो मेन आना चाहिए हमें फाइंडिंग, कि ये ओवेरियन है. वी नो अल्ट्रासाउंड पे ओवेरियन है तो डेफिनेटली, बट आपको कैसे पता चलेगा एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन पे कि ओवेरियन है, वो फिर आपका तरीके से बताने आना चाहिए, ठीक है ना. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट होगा तो वो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है अगर वही नहीं एग्जामिनर सुनेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा. बाकी ठीक है, ऑब्वियसली यस,
पेल्विक एग्जामिनेशन में जैसे ही आप बजाय आप उसको यूट्रस को फील करते हो, साथ ही में आप कह देते हो कि यू आर लुकिंग फॉर द एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन, उसका साइज, उसकी मोबिलिटी, उसकी टेंडरनेस, उनमें से जो भी चीज एबनॉर्मल होगी उसको एलैबोरेट कर दोगे. कंसिस्टेंसी, अगर उसकी आपको फर्म लग रही है या हार्ड हो या सॉफ्ट, फर्म तो चलो ठीक है लेकिन सॉफ्ट लग रही है तो उसके साथ टेंडरनेस को रिलेट करोगे और साइज को. और इसी तरह एडिनेक्सा, एडिनेक्सा में अगर आपको सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस ये सिस्ट मिल गई है तो उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दोगे कि उसका साइट, साइज, शेप, मोबिलिटी, टेंडरनेस और उसके अलावा वजाइनल, अगर आपके फिंगर्स के ऊपर कोई डिस्चार्ज या कोई चीज ऐसे आई है तो वो मेंशन कर दोगे. और इन बिटवीन या स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी नहीं मिस करना, ठीक है ना? तो ये सारा कुछ आपका होगा. तो ये एग्जामिनेशन इतना फोकस्ड और एलैबोरेट होना चाहिए. जी मैम, मुझे ही ना यही कंफ्यूजन है क्योंकि मतलब बातों का इतना ये होता है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर वो ना ये ना कहना शुरू करते हैं कि आपने ये मिस कर, कहेंगे तो बता देना, कहेंगे तो बता देना. देखो आपने स्टार्ट ही ऐसे करना है, देखो आपने खुद भी देख लेना है, 10 मिनट का स्टेशन है, उसके अंदर ये सिनेरियो है, उसमें उन्होंने आपसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन पूछा या सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ही पूछ लिया. हिस्ट्री अगर आपने 3-4 मिनट में बता भी दिया, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन की बात है, तो आप कह सकते हो कि फोकस्ड टू दिस सिनेरियो अदर देन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन मेनली आई विल चेक BMI, लिम्फ नोड, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जिस तरीके से आप करोगे वो पूरा एलैबोरेट करोगे विद अदर सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, ठीक है, इस तरह करके. और इस पेशेंट के अंदर सेक्रल और पीडल एडीमा भी आप देख लोगे क्योंकि एक पेशेंट अगर मैस के साथ आई गई है तो उसमें आप एडीमा और वेरिकोसिटीज पे कमेंट भी कर सकते हो. और फिर उसके बाद आप उसका फोकस्ड एग्जामिनेशन एब्डोमिनल और पेल्विक की बात कर लोगे. इस दौरान में अगर एग्जामिनर आपसे कहेगा कि व्हाट आर द अदर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पॉइंट्स, तो फिर आप बोल दो. लेकिन अगर सिनेरियो ही ऐसा है, विच आई एम श्योर के होगा भी उसके अंदर ये कि जनरल, हाउ विल यू डू जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड स्पेसिफिक टू दिस प्रॉब्लम, तो फिर तो आप ठीक है. फिर अगर है ही सिनेरियो सिर्फ एग्जामिनेशन का, जो कि प्रोबेबली आपको परफॉर्म भी करना हो सकता है पेशेंट के ऊपर, तो फिर तो इट मीन्स कि आपका वो पूरा एग्जामिनेशन ही चेक हो रहा है ना. मैडम एक सवाल पूछना. जी आलिया. जी बस मैं ये अभी आपने कहा कि आईरिड मास इज सॉफ्ट, अगर सॉफ्ट है तो फिर टेंडरनेस पे बात करें, अगर फर्म है तो ना करें, ये मैडम ये नहीं समझ आई बात कर. वो इसलिए क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी किसी के यूट्रस की सॉफ्ट हो तो वो क्या बना, इसका क्या इंडिकेशन थोड़ी सी मिलती है कि प्रोबेबली शी इज हैविंग, यस, इफ एडिनोमायोसिस तो वो टेंडर भी होगा, थोड़ा उसका मास, उसका यूट्रस का साइज भी बड़ा होगा, राइट? अगर तो वो फर्म है तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल है. अगर फॉर्म है बट एनलार्ज्ड है, शी मे बी हैविंग फाइब्रॉइड, फिर उसकी रेगुलरिटी और वो सारी चीजें आ जाती है. अगर वो सॉफ्ट इनकंसिस्टेंसी, नली पेरिस में, देखो नथिंग इज लाइक 0% ना, बिल्कुल हो सकता है. और स्पेशली इस तरह के पेशेंट में जिसमें सब फर्टिलिटी भी है, जिसके अंदर आप पहले एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो, तो एंडोमेट्रियोसिस तो मेरा ख्याल है विद एडिनोमायोसिस 10-12% इसकी है के अकरेंस की एंडोमेट्रियोसिस विद एडिनोमायोसिस की. सही, इतना इंसिडेंस है इसका आपस में, ठीक है ना? तो बिल्कुल आप करोगे. थैंक यू मैडम. ठीक है, सो इस तरीके से एग्जामिनेशन होगा. चलो और किसी ने कुछ ऐड करना है एग्जामिनेशन में? मैम हम जब पूछेंगे उनसे तो वो हमें बताएंगे तो सही ना कि ये चीज है इसमें ये मतलब है, क्या प्रेजेंट है पेल्विक पे क्या है या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे क्या है, ताकि हम अपनी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड ही दे दिया आपको और क्या चाहिए. मैम आई मीन कि डिस्पेरोनिया डिसमेनोरिया के बारे में बताएंगे ना. हाँ चलो, अगर आप देखो अभी हम मैनेजमेंट तो कर ही नहीं रहे, इस स्टेशन के ऊपर है ही सिर्फ हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन. मैनेजमेंट या DD की तो बात ही नहीं की हमने. जिस पेशेंट में मैनेजमेंट होगा उसके अंदर ये सारा कुछ इंडिकेटेड होगा, बताया होगा उन्होंने, ताकि आपका एक रफली मैनेज डायग्नोसिस बना हो, फिर ही मैनेज होगा ना. ठीक है चलो, इसकी इन्वेस्टिगेशन पूछे डॉक्टर. मगर इसमें तो अभी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के साथ चेस्ट एग्जामिनेशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना. मी सिंड्रोम हो तो उसमें तो इम्पोर्टेंट है ना. ठीक है, प्यूरल इफ्यूजन बिल्कुल आप कर लो, बिल्कुल रेस्पिरेटरी आप कर सकते हो, गुड.
मैम सेप्टेशंस की सिग्निफिकेंस बता दें कि क्योंकि बी और आगे बात में तो ये इंक्लूडेड है। अभी हम करते हैं बात इस पे, आगे करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की करते हैं ना बात, फिर बात करते हैं ठीक है। चलो इन्वेस्टिगेशंस जी पूछे जी रबिया मैम, सेप्टेशंस क्या सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये बी और एम रूल्स में तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर हम इसकी बेसिस पे कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट किसी को लेबल कर सकते हैं? अभी किया तो नहीं हमने कुछ भी लेबल, ठीक अभी तो हम सिर्फ हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर रहे हैं। चलो इन्वेस्टिगेशंस पूछे आपका मैम। आई वांट टू नो द जनरल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ माय पेशेंट, ठीक है बेसलाइन ब्लड ग्रुप ऑफ माय पेशेंट विद आर एक्सपेक्टेड हर कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग द एचबी ELC and platelets. I want to know her urine complete examination. In which I want to know biochemistry and microscopy. In microscopy, I want to know the pus cells and biochemistry, protein and sugar. I want to know the fasting blood sugar level if available. And if not available, then I want to know the random blood sugar level. And I want to know the viral markers, hepatitis, cells, B antigen, anti-HCV status, and the COVID PCR status. And I want to know the ultrasound scan of my patient, which includes the size of uterus, endometrial thickness, endometrial myometrial echogenicity, their contours, blood flow, and any admixture pathology, its size, and and its solidity, and if it is a bilateral or unilateral, is there any ascites present or no, so any multilocular or unilocular or any evidence of metastasis, and if these septae are present, then how many septae are present, and other I want to know the blood flow by Doppler ultrasound scan, and further investigation will be depend upon the ultrasound report. ठीक है और किसी ने कुछ? मैम इसमें infertility की आएंगी और infertility की भी आएंगी ना मैम? ठीक है और good फायदा? Laparoscopy अगर इसकी हुई है या HSG इसका हुआ है तो उसकी report आएगी, semen analysis आएगा, ठीक है। और अगर उसका TVS पे अगर उसकी कोई M rule आता है तो फिर हम CA125 वैसे तो हमें करा लेना चाहिए, CA125 अगर more than 300 आएगा तो हम ट्यूमर मार्कर कराएंगे, CA125 अगर more than 300 आएगा तो मैं इसका जो है ट्यूमर मार्कर कराऊंगी CA125। चलो इस पे बात करते हैं ट्यूमर मार्कर पे, और मैम AMH इस पेशेंट की मैम AMH करानी पड़ेगी अगर ये एंडोमेट्रियोसिस की तरफ जा रही है। अच्छा और मैं अभी बात करते हैं, अभी बताती हूँ फायजा का और किसी ने क्या ऐड करना है। सीमेन एनालिसिस, हाँ वो फर्टिलिटी वाली आ जाएंगी ना। और मैडम हार्मोनल प्रोफाइल नहीं करवाया, FSH LH और 21 हाइड्रो हमें प्रोजेस्टेरोन, हार्मोनल बिल्कुल ठीक है, ठीक है नायला। और और ये वाले ट्यूमर मार्कर कराते हैं, ये नॉर्मल है तो फिर हम CA125 करवाते हैं ना। अभी बात करते हैं ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बात ये है मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये पेशेंट की जो सिस्ट है ये क्लियर सिस्ट बताई है या इसमें जो सेप्टेशन, मैंने विद सेप्टी बताया ना, मैंने बताया था 7x6 cm विद सेप्टी। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैम डॉक्टर करवा सकते हैं? वो बोल दिया था उन्होंने। अच्छा शुरू से मैं बताती हूँ, बेसलाइन तो बिल्कुल ठीक है, आपदा ने मांगी, उसके बाद उसने अल्ट्रासाउंड मांगा, अच्छे तरीके से मांगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलती रही। देखो अब ये जो पेशेंट है ना, इसके अंदर ये एक सिनेरियो ऐसा है
ये वो सिनेरियो नहीं है लॉन्ग केस का जिसमें आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट एंड पे मिलेगी, ये वो सिनेरियो है जिसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपको शॉर्ट केस में पहले ही दी गई है. दिस इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो. ठीक है, चलो आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांग रहे हो, आप कहो कि फ्यू अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आई वुड लाइक टू रिपीट हर अल्ट्रासाउंड फॉर द डिटेल्स ऑफ द वेरियंसेस. चलो यूट्रस की आपने बात बड़ी डिटेल में कर ली, यू स्टार्टेड ऑफ विद यूट्रस, बट देन डोंट से दैट एनी एडिनेक्सल पैथोलॉजी. अपना रट्टा ना ना बोलो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक टू द पेशेंट जो आपको दिया गया सिनेरियो. जब आपकी बातों से साफ पता चलेगा कि आप एक रट्टा बोल रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका एप्लीकेबल वाली नॉलेज नहीं है आपकी, ठीक है ना. सो आप बोलो कि सिस्ट इज गिवन विच इज 7 x 6 cm विद सेप्टी. I would like to know more details of it. I want to get the Doppler ultrasound done for the capsule blood supply, especially the thickness of the capsule, if the septa, their thickness of the septum, if and if any other papillary structures are wrong. B or M rule, फिर पूरा बोलो ना, सिर्फ B rule, M rule बोलते जा रहे हो आप लोग, लेकिन कोई B rule, M rule आप लोगों की बातों से लग नहीं रहा कि किसी को कोई याद है B rule या M rule. तो एनी थिकनेस ऑफ द सेप्टम वो, एंड इफ एनी अदर पेपिलरी स्ट्रक्चर, इफ यस पेपिलरी स्ट्रक्चर आर देयर देन द नंबर ऑफ पेपिलरी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर देयर, एंड आई वुड लाइक टू नो इफ देयर इज, ये बोला था आप दाने के साइटीज है या नहीं है, वो सारा कुछ. एंड देन बोलते बोलते में देखो, जब आप अल्ट्रासाउंड बोल रहे हो ना, तो सारी दुनिया के काम छोड़ के उस वक्त दो तीन चीजों में एग्जामिनर आप सारी दुनिया के काम छोड़ के आपको सुन रहे हैं, क्योंकि वो आपका एक डिसाइडिंग पॉइंट है उसके लिए कि आपको गायनी की. यू आर नॉट गोइंग टू बी अ जनरल फिजिशियन और एन एमबीबीएस वाला डॉक्टर और किसी भी फील्ड का डॉक्टर. ये मेडिसिन और सर्जरी वालों को भी पता है स्कैन में सिस्ट में क्या देखना है. उन्होंने देखना है कि ये जो, आर यू रियली गोइंग टू बी अ गायनाकोलॉजिस्ट, मतलब लेट आफ्टर दिस एग्जाम, कि आप गायनी वाली बातें कर रहे हो, तो वो आपके एक एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग से ही वहां पे क्लियर हो जाती है बात कि ये गायनेकोलॉजिस्ट होना आप भी डिजर्व करती है नहीं करती, ठीक है ना. उसके अंदर आपका जब आप अल्ट्रासाउंड बोल, आप बोलते बोलते बोली जा रही हो एनी अदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट, बात आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड की कर रहे हो, बात आप मेटास्टेसिस क्या ब्रेन का आप करा रहे हो, क्या क्या करा रहे हो, लिवर का करा रहे हो, एक लफ्ज भी आपने अल्ट्रासाउंड में इधर उधर का बोला, तो इसका मतलब ये है कि आप एक जनरल फिजिशियन वाला अल्ट्रासाउंड बात कर रहे हो या कोई रट्टा मारा हुआ अल्ट्रासाउंड बोल रहे हो. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पेल्विक अल्ट्रासाउंड, तो उसकी बात पेल्विक वाली करो ना. What do you mean, any other metastasis present? कहाँ metastasis की बात आ गई? तो आपने बी और एम रूल, प्रॉपर बी और एम रूल बोलो. काफी सारे पॉइंट्स कवर किए लेकिन सही कवर नहीं किए. सेप्टम अगर मैंने दे दिया तो उसको आपने कवर ठीक नहीं किया, वो सारा कुछ, ठीक है. तो आपने ये जरूर बोल देना. अच्छा, उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की हमारी बात हो रही थी, उसके अंदर फाइजा ने कुछ इन्वेस्टिगेशन बोली. देखो, आपने एग्जाम के अंदर यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी sympathetic or you have to be conscious about patient's finances as well. Duniya jahan ki har investigation mang lo mehngi mehngi, wo bahut ajeeb ho jata hai. Asking directly about laparoscopy is not justified at this stage. Laparoscopy ek bahut mehngi investigation hai. Aap tubal patency test bol do agar aap uska subfertility ka workup ki baat kar rahe ho. Then getting an AMH done in a patient who never had any surgery before, और अभी पता भी नहीं हमने आगे उसका करना क्या है, कोई और टेस्ट हमारे पास है नहीं. AMH एक बड़ा महंगा इन्वेस्टिगेशन है, वो आम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी नहीं होता, वो प्राइवेट से कराएगी या कि उसकी पे ही 10-12 हज़ार है फॉर एग्जाम्पल. ये भी अगर बेहतर कुछ है, उसमें से 3-4 हज़ार का आपने AMH करा दिया उसका, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं. 30-40 thousand की लेप्रोस्कोपी आपने उसकी मांग ली है, तो पता नहीं फिर तो वो बेचारी अपना फिर वो घर ही बैठी रहे तो बेहतर है. सो इस तरह नहीं बात करनी. हर दुनिया जहान की महंगी इन्वेस्टिगेशन बोल के बंदा खुद फंसता है, तो वो नहीं आपने कराना. यस, हार्मोनल प्रोफाइल आप कराओगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट में आप TSH मांग, किसी ने TB की बात की. देखो, जब तक आपको हिस्ट्री में कोई हल्की सी इंडिकेशन नहीं मिल जाती ना TB की, या एग्जामिनेशन में एट टाइम्स इतना टेंडर सर्विक्स होता है, या आपको CBC में TLC बहुत हाई मिल जाता है, या पेशेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में TB मिल जाता है, या पेशेंट का अपना कोई हिस्ट्री होती है कि बचपन में या कहीं या कुछ अर्सा पहले उसको पल्मोनरी TB हुआ था जिसकी उसने ट्रीटमेंट ली थी एटसेट्रा, या उसके मियाँ में TB थी एटसेट्रा, कोई एक इंडिकेशन मिलेगी देन मेक इट अ केस ऑफ, फिर आप TB का प्रोफाइल मांग लो तो ठीक है, वरना हर मरीज में TB ना मांगो. ओवेरियन मास विथ ट्यूबरक्लोसिस इज अ रेयर थिंग टू हैपन. TB अव्वल तो होता ही है, सिम्टोमेटिक है. अगर वो सिम्टोमेटिक हो तो वो ओवरी, वो ट्यूबल ट्यूबरक्लोसिस इज कॉमन
इंस्टेड ओवेरियन ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, राइट? सो अनकॉमन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस ना दो कि अगेन मरीज का इतना खर्चा बढ़ जाए। मैमटोस टेस्ट तो जिसको टीबी हो शायद उसका भी नेगेटिव ही आ जाए, उसकी सेंसिटिविटी इतनी कम है, तो अब जाहिर बात है आप उसका इम्यूनो एसे वाला टेस्ट कराओगे तो फिर वो महंगा टेस्ट। तो कोई हिस्ट्री में कोई रिस्क फैक्टर कहीं मिले तो हम टीबी के बारे में सोचेंगे, वरना टीबी के बारे में मत सोचो। सो बेसलाइन मांगो आप, इसके अंदर हार्मोनल प्रोफाइल मांग सकते हैं। हाँ, ट्यूमर मार्कर्स का मांगने, आपको इंडिकेशन मिल चुकी भी है। देखो अब बात यह है कि माइंड में हमारे क्या है, माइंड में हमारे ये है कि दिस पेशेंट इज हैविंग 7x6 सेंटीमीटर सिस्ट एंड शी इज हैविंग सेप्टी आल्सो। ऑल्दो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग मजीद हमें पता चलेगा, लेकिन जो भी है 7x6 सेंटीमीटर इज अ लार्ज साइज, शी इज हैविंग सबफर्टिलिटी, शी इज हैविंग सेप्टेशंस वाली सिस्ट, राइट? सो हम इसको छोड़ने तो नहीं वाले, वी आर गोइंग टू गो फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन। अब इस तरह का मरीज जिसमें आपको सेप्टी मिल गए, सिस्ट भी है बड़ी, तो दो ऑप्शंस है, जस्टिफाइड है कि अगर आप उसके ट्यूमर मार्कर्स मांग लो। फाइजा ने बीच में कहा कि अगर मेरा CO125 300 से ज्यादा आएगा तो मैं बाकी ट्यूमर मार्कर्स मांगूंगी। आई डोंट अग्री, देयर इज नो गाइडलाइन जो ये सेंटेंस लिख रही है या जो ये बात कह रही है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। 300 का कहीं लिमिटेशन ना मेंशनड है, ना आपने ये कहना है, ना खुद से। या तो सारे ट्यूमर मार्कर्स मांगो, ठीक है, या फिर कोई भी ना मांगो। हाँ, मुझे समझ आ गई थी कि फैजा ने क्यों कहा CO125 की, प्रॉबेबली शी थिंक्स कि 300 तक है या उससे कम है तो वो एंडोमेट्रियोसिस होगा, वो आई डोंट नो क्या कहना चाह रही थी। बट द थिंग इज के अब इस एज ग्रुप के अंदर CA125 भी इंपॉर्टेंट है, अल्फा फीटोप्रोटीन भी, बीटा HCG भी, CEA भी इंपॉर्टेंट है। बट एंड इफ यू आर प्लानिंग अ सर्जरी, तो इंस्टेड के पेशेंट ओपन करके आप वहां पे फंसे पड़े हो कि ये तो मैलिग्नेंट निकल गया, तो इट्स बेटर कि हम पहले ही उसकी इवैल्यूएशन करा लें ट्यूमर मार्कर्स के लिए, ताकि हमें एक बहुत बड़ी इंडिकेशन मिल जाएगी। अगर इसका ट्यूमर मार्कर कोई भी पॉजिटिव आता है तो एटलीस्ट हम पेशेंट की काउंसलिंग और अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और अगर नहीं आता तो भी हमें काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो इस तरह के केस में जिसमें सेप्टी है, मजीद डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड, इफ यू वांट टू वेट के मुझे मजीद डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड मिल जाए फिर मैं ट्यूमर मार्कर्स मांगूंगी, तो आप कह सकते हो कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय। लेकिन इसके अंदर एज देयर इज अ बिग सिस्ट, ये क्लियर फ्लूइड वाली तो सिस्ट है नहीं, सेप्टी वाली मैंने दी है, इट कैन आइदर बी एंडोमेट्रियोसिस और इट कैन बी CA, तो इट्स बेट देयर इज नो हार्म कि आप इसके अंदर सारे ट्यूमर मार्कर्स करा लो और उसके बाद कहो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल नाउ डिपेंड ऑन माय ट्यूमर मार्कर रिपोर्ट एंड माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ठीक है ना। और उसके बाद आप इसको क्या फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं इसके अंदर? मैंने करानी नहीं है, मतलब मैंने पूछना ठीक है, डोंट यूज द वर्ड ऑफ लेप्रोस्कोपी, आपको ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, और इवन बेटर क्योंकि देखो पेशेंट्स में HSG बोल दो, वो लेप्रोस्कोपी तो इतनी महंगी, उसके ऊपर एकदम से वो बेचारे यू नो हो जाए, तो HSG मांग लो या फिर आप कहो के ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, ठीक है ना। किसी और ने कोई क्वेश्चन? हाँ, ये MRI का लफ्ज किसने बोला? क्यों फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी विच इज डिपेंडिंग ऑन योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड योर ट्यूमर मार्कर रिपोर्ट? CT होगा ना, MRI नहीं इसमें कराएंगे। MRI कब कराएंगे इसमें मैडम? व्हेन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स आर अनजस्टिफाइड, unconclusive ultrasound findings, then we go to features हाँ, तो क्यों unconclusive है? हम क्यों उसे हम तो conclusive वाला ही मांग लेंगे ना? It's very very rare कि कोई unconclusive हो। भाई अब डॉपलर पे कैप्सूल का ब्लड फ्लो, सेप्टेशन की थिकनेस, आप सही कह रहे हो। नायला की बात मैं एलैबोरेट करती हूँ कि जहां पे आपने ओवेरियन सिस्ट की फीचर्स डिटेल में देखने हो उसमें आप MRI कराते हो, और जिसके अंदर MRI हम स्प्रेड ऑफ द डिजीज के लिए नहीं कराते हैं ओवेरियन सिस्ट में। ओवेरियन सिस्ट के फीचर्स अगर अल्ट्रासाउंड पे कंक्लूसिव ना मिल रहे हो फिर आप MRI कराते हो, लेकिन ऐसे तो कोई बात नहीं। माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड ट्यूमर मार्कर रिपोर्ट, कि अगर ट्यूमर मार्कर ज्यादा आ रहे हैं या अल्ट्रासाउंड के ऊपर M रूल ज्यादा आ रहे हैं तो फिर मैं CT कराऊंगी स्प्रेड ऑफ द डिजीज देखने के लिए, CT एब्डोमिन एंड पेल्विस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच मैम, मुझे तो बिल्कुल वो वाले फोकस वाला आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं फोकस करना चाहिए। मैं थोड़ा सा ना एग्जाम सिनेरियो बदल गए,
उसमें लॉन्ग केस में होता था कि एंड तक जाके हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं मिलती थी, हमने डीडी बनाना होता था, हमने एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप अगर आपके पास सिनेरियोज हैं, हो सकता है आपको डायग्नोसिस बना बनाया मिल रहा है, बट यू हैव टू, लेकिन आपने उसको फोकस तरीके से लेके जाना है, मे बी फ्रॉम द हिस्ट्री और मे बी फ्रॉम मैनेजमेंट. तो उसमें थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन ये एक तरह से आसान हो गए क्योंकि इसमें बहुत फोकस्ड बात हो रही है. और इसके अंदर आपको बार बार कहती हूँ कि पेपर आउट हुआ है, टॉपिक्स आपको पता है, वो ही आएंगे केसेस, वही वही आने. अगर छह केसेस आपके शॉर्ट केस सिनेरियोज हैं अदर देन द टोक्स, जो टोक्स तो होने ही है, वो स्किल डेमोन्स्ट्रेशन और जो पहले होता था कॉन्ट्रासेप्शन का, एचआईवी का, ऑनको का, ये वो छह स्टेशन आपके आ जाने हैं जो लॉन्ग केसेस को स्प्लिट करनी. उसमें से हमें पता ही है यार, ये कैसे पॉसिबल है कि वो फाइब्रॉइड ना दे, ये कैसे पॉसिबल है कि एनीमिया ना दे, ये कैसे पॉसिबल है कि सफर्टिलिटी या सफर्टिलिटी के साथ कोई एंडोमेट्रियोसिस या कोई चीज इस तरह की ना हो, गायनी के तीन दे देंगे, ओवेरियन फाइब्रॉइड और मे बी सफर्टिलिटी इस तरह का, और ऑप्स के तीन दे देंगे, हाइपरटेंशन डायबिटीज एनीमिया दे देंगे या हाइपरटेंशन विद आईयूजीआर दे देंगे, मतलब इस तरह करके, एंड दे विल कवर मेन टॉपिक्स. नाउ यू नो द मेन स्टेशंस एट लीस्ट, तो आप उसको उस लिहाज से, बट इसके अंदर सिर्फ फर्क ये है कि 10 मिनट्स है और बहुत फोकस्ड बात पूछी है और आपने उसमें फुल मार्क्स कर लिए. मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना. हाँ फैजा मैम, ये तो हमारे पास ये वाला जो आपने सिनेरियो दिया है, ये इन्वेस्टिगेशन तक है, मतलब हमें तो अभी इन्वेस्टिगेशन तक है, अभी मैनेजमेंट इसकी बात करेंगे. हाँ, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में उसने हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी, लेकिन हमारे दिमाग में तो एंडोमेट्रियोसिस की जो चीज बन गई, और एंडोमेट्रियोसिस की जो सिस्ट दी है इसने 6x7x6 की दी है ना, तो बनेगा तो इसने भी लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी ना, क्योंकि ये तो साइज ही बड़ा है बहुत. तो मैम ये इसमें हम फिर AMH नहीं चेक करेंगे पेशेंट का अभी में जाने से पहले? नहीं जरूरत है, रेकमेंडेड नहीं है. देखो कुछ चीजें ये AMH आप स्टडी पर्पस के लिए कर सकते हो कि बिफोर सर्जरी क्या था और फिर पोस्ट सर्जरी भी कराओ कि चलो मैंने सिस्ट निकाली है तो कितना ओवेरियन, बट यू डू नॉट नीड टू. आप हर एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी या किसी भी ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी करने से पहले मरीज का AMH नहीं कराते, एक्सेप्ट के वो 35 ईयर्स प्लस है, आपने ओवेरियन रिजर्व देखना. AMH अभी तक रिकमेंडेड है ओवेरियन रिजर्व ही देखने के लिए इन पेशेंट हु इज मे प्रॉब्ली मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, जो फर्टिलिटी के लिए कंसर्न है. सर्जरी से पहले वो एक स्टडी पर्पस, उसकी कुछ स्टडीज होती हैं कि आप अब सर्जरी करने जा रहे हो, प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली AMH देख रहे हो कि अब मैंने इसकी सर्जरी किया तो पोस्ट ऑपरेटिवली क्या AMH है, अदरवाइज हर एक में इट्स नॉट रिकमेंडेड. आपने नहीं बोला. ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू. मैम मींस कि इसके अंदर अल्ट्रासाउंड को भी मुझे ऐसे मांगना चाहिए था कि आई वांट टू नो द फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड वी शो स्पेसिफिकली सिस्ट, आई वांट टू नो डिटेल्स ऑफ द सिस्ट. ठीक है ना? जी, चलो गुड. अच्छा चलो, अब डीडी पे तो हम वैसे बात कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है मैनेजमेंट पे आ जाते हैं. जी डॉक्टर आप था. मैम आई विल डू द काउंसलिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माय ऑल इन्वेस्टिगेशंस. आई विल आफ्टर अकॉर्डिंग टू द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड आई विल डू द सीटी स्कैन टू नो द एक्सटेंट ऑफ डिजीज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर एंड द लिंफ नोड स्टेटस, एंड ऑल्सो विल डू द डॉक्टर अल्ट्रासाउंड टू सी द ब्लड. तो हो गया ना, ठीक है. इसके अंदर आपकी कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, मल्टीपल सेप्टेशंस हैं, थिक भी हैं, थिन भी हैं, और ट्यूमर मार्कर्स में जो उसका CA125 है ना वो 270 है, बाकी नॉर्मल है. ओके मैम, आई विल डू द काउंसलिंग ऑफ द कपल रिगार्डिंग द माय डायग्नोसिस दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट. Although it is bilateral, although it is unilateral, and further confirmation of the diagnosis will be done after histopathology report. And I will keep admitted my patient, and also consult will do the preparation in the form of I will involve the multidisciplinary team approach, and I will. Do the cross match of my blood, cross match of my patient, and arrange two units, at least two units of the blood, and further I will do the elective surgery in the form of laparotomy to do the cystectomy,
to do the cystectomy and in the morning list after induction of anesthesia and after aseptic nears, I will do the laparoscopy and I will give the fenestil incision. Lower transverse incision in the abdomen, and I will further confirm my findings after the inspection of the abdominal peritoneal cavity. I will take the cystic fluids if available. If a cystic fluid is present, I will take the washings. If not present, I will inject the 100 cc normal saline, 20 to 50 cc normal saline, and then I will take the peritoneal washing. And after that, I will observe the both ovaries as the cyst is unilateral, I will inspect the contralateral ovary that it is healthy or not. And I will reconfirm my findings after the inspection of the affected ovary. I will try to do the cystectomy and try to remove the affected tissue as maximum as possible. And also will check the tubal status of my patient during the this laparoscopy. And after that, I will close the patient and send the I will cure blood supply and cure hemostasis and close the patient in reverse order and shift the patient in the post-operative ward. I will check the vitals and wait for histopathology report and further treatment will be dependent upon the यहाँ पे अगर बोल दूँ कि histopathology में malignant आ गई फिर लेकिन इसको वही बात है कि थोड़ा सा केस से रिलेट करके बोलते अच्छे हो, बड़े बड़ी अच्छी आपने क्लियर और उसमें आवाज में आपने बड़ा क्लैरिटी से अपनी सारी मैनेजमेंट बोली, विच वॉज नॉट रॉन्ग एक्चुअली। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होने वाली है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। असल में पहले मैं थोड़े से सवालों के जवाब दे दूं जो चैट के ऊपर सवाल हो रहे हैं। यार क्यों पीसीओ के पीछे पड़ गया इसमें, मतलब आई डोंट नो पीसीओ कहाँ से आ गया इसके अंदर, बार बार पूछ रहे हैं सब क्लिनिकल पीसीओ 7x6 cm की ओवेरियन सिस्ट मैंने आपको दी है, CA125-270 दी है, पीसीओ तो दिमाग में भी क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, नो नीड, फजूल बातें नहीं बीच में करनी। अच्छा दूसरी बात ये कि रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स, रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स पोस्ट मेनोपॉजल में इंपॉर्टेंट है, प्री मेनोपॉजल में इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी एम और बी रूल की है, गाइडलाइंस के मुताबिक चलना। रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स की आप बात कर सकते हो एंड देन गोइंग टू द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एंड डिस्कशन विद उनको, जो बातें बीच में चैट में कर रहे हो प्लीज इसमें एज देखो, प्री और पोस्ट मेनोपॉजल का फर्क रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप हर एक में हर चीज ही डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो ये चीज। अच्छा तीसरी चीज ये कि अब जो आपदा ने अच्छा बोला उसके अंदर कुछ बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऐड होने वाली है। यू स्टार्टेड ऑफ विद काउंसलिंग, इस पेशेंट के अंदर काउंसलिंग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट काउंसलिंग इज वन थिंग जो कि अगर आप कंप्लीट और ठीक करोगे तो बाद में एग्जामिनर ने अगर आपको बहुत ही फजूल चीज, जैसे मैंने एक बहुत ही फजूल बात कर दी कि आप तो सिस्टेक्टमी करके आ गए इस पेशेंट के अंदर और ओपन भी हो गई मरीज और उसकी तो सीए की रिपोर्ट आ गई है, विच मीन्स के अंदर स्पिलेज भी हुआ होगा ना, ठीक है, तो इससे बुरा क्या होगा फिर एज अ डॉक्टर कि 27 इयर्स ओल्ड के अंदर आप सर्जरी किए जा रहे हो, सिस्टेक्टमी भी कर दी और फिर, तो काउंसलिंग ही तो यहाँ पे एक चीज है जो आपको बचाएगी प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जाम में भी। काउंसलिंग में आपने हर पॉसिबिलिटी पेशेंट को बता देनी है, आपने बता देना है कि एम रूल ये कवर हो रहा है पेशेंट का, ठीक है, क्योंकि एम रूल अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड ये कवर हो रहा है, CA125 इसका है मोर देन नॉर्मल, सो मेरे डीडी के अंदर अभी भी सीए है, मेलिग्नेंसी है, हाउएवर अल्टीमेट डायग्नोसिस विल बी मेड ऑन हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, क्योंकि अभी भी डीडी इसलिए क्योंकि ये सारी फाइंडिंग्स एंडोमेट्रियोसिस को ओवरलैप कर रही है, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि आई विल डू सर्जरी, इंट्रा ऑपरेटिवली ग्रॉस लुक भी बहुत मैटर करती है,
दूसरी ऑप्शन मेरे पास फ्रोजन सेक्शन अरेंजमेंट की है, अगर फैसिलिटी है ठीक है, अवल तो फैसिलिटी बना लो, होती है हर जगह चुगताई लैब्स है, आप इस तरह का अनयूजुअल केसेस होते हैं यंग पेशेंट में विद दिस टाइप ऑफ सिस्ट इज एन अनयूजुअल केस, तो आप उसके अंदर वो कर सकते हो कि स्पेशली अपने वार्ड के ज़कात उसके ऊपर भी आप चुगताई के ऊपर फ्रोजन सेक्शन अरेंज कर सकते हो, अगर पर्सनल लेवल पे भी करो, एक आधे मरीज में वंस इन अ ईयर या ट्वाइस इन अ ईयर भी अगर जरूरत पड़े तो आप फ्रोजन सेक्शन, और वो उसी वक्त 15 मिनट में रिपोर्ट देते हैं। चुगताई वालों का आप नंबर रखो, आप उनको कॉल करके, वहां पे उनकी भी एक लड़की आके खड़ी होती है जो सैंपल लेके जाती है, फोन पे वो डायरेक्ट सर्जन को बताते हैं ये रिपोर्ट है और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी तो आपने प्री ऑपरेटिवली काउंसलिंग करनी है, क्यों? क्योंकि अगर उसका फ्रोजन सेक्शन पे सीए आता है तो मैं उसकी क्लियरेंस सर्जरी इज प्रेफरेबल बिकॉज लाइफ कम्स बिफोर फर्टिलिटी। नंबर टू अगर नहीं आता तो वो और बात है। सेकेंडली एंडोमेट्रियोसिस तो आपको इंट्राऑपरेटिव लुक से भी पता चल जाएगा, चॉकलेट मटेरियल वही इतना बड़ा आपका वो इंडिकेटर होगा। तो आपने ये बातें प्री ऑपरेटिव, अगर फ्रोजन सेक्शन बिल्कुल अरेंज नहीं हो सकता तो फिर आप प्री ऑपरेटिवली ही बताओगे कि अगर मुझे इंट्राऑपरेटिवली सीए वाली लुक लगती है और एंडोमेट्रियोसिस की ग्रॉस लुक नहीं लगती तो फिर मैं इसको या तो बायोप्सी लूंगी या साइड की यूफ्रेक्टोमी कर दूंगी विद मिनिमल स्पिलेज, और फिर हम इसके क्लोज करेंगे, पोस्ट ऑप में मरीज जाएगा, फिर मैं इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट का वेट करूंगी, 10 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी तो आई विल टेक हर बैक टू ऑपरेशन थिएटर फॉर द क्लियरेंस सर्जरी, क्योंकि वो उसकी अल्टीमेट ट्रीटमेंट है एक्सेप्ट की उसकी स्टेजिंग डिपेंड करेगी, राइट? तो ये सारी चीजें आपने बोलनी है, ये चीज आपने मिस कर दी। हालांकि आपने जब सर्जरी की तो सर्जरी आपने स्टेजिंग वाले हिसाब से की, यू स्टार्टेड वेरी वेल, यू टुक द वॉशिंग्स, यू टुक एवरी अदर थिंग, यू डिड द इंस्पेक्शन, लेकिन इंस्पेक्शन में अगर अपने आपको और सेव करना था तो आप कह देते थे कि चॉकलेट बर्न सारा था, पाउडर बर्न लुक थी, एंडोमेट्रियोसिस था, फिर एंडोमेट्रियोसिस वाली सर्जरी बोलनी चाहिए थी के उसके बाद आप उसकी सिस्टेक्टमी नहीं करोगे, ट्यूबल पेटेंसी भी करोगे, उसकी डिजिलाइसिस करोगे, जितने मोबिलाइज उसके स्ट्रक्चर्स हो जाए, ट्यूब्स पेटेंट हो जाए, और बिकॉज ऑब्वियसली ये फिर एंडोमेट्रियोसिस तो उसकी फिर फर्टिलिटी वाली सर्जरी हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें आपने बहुत इलैबोरेट करके और क्लियर करके चलना था, और उसके बाद आप उसके पोस्ट ऑप में। जी मैम, मैंने तो मतलब मैंने ये सोचा कि मैम 100 से 1000 तक होता है ना पॉसिबिलिटी है जिसमें बड़ी सिस्ट हो, पूरा पाउडर बर्न एंड पेरिटोनियम में गया हो, पेरिटोनियम की इरिटेशन से CA125 बढ़ सकता है, जिसमें हम एंड तक एम्बिग्विटी में ही रहते हैं कि ये सीए है या ये एंडोमेट्रियोसिस। इस तरह का जो केस है जिस तरह भी मैंने आपको बताया उसके अंदर आपने इसी तरह से ही करना है कि आपने प्री ऑपरेटिव जो उसकी काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हो कि आई वुड लाइक टू काउंसिल विद पेशेंट एंड हस्बैंड और द फैमिली अबाउट द डायग्नोसिस, दैट प्रोबेबली डायग्नोसिस इज probably endometriosis because of the race CA125, but as she is having this emrule in her ultrasound and the race CA125, so I'll keep the possibility of malignancy also in my mind, and considering that फिर मैं फर्दर इसका बट अगेन बिकॉज CA125 इतना ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैं अभी एकदम से उसको क्लियरेंस सर्जरी या उसकी तरफ नहीं कह रही, और उसके बाद हम इसका, इसीलिए हमने एकदम से सीटी भी नहीं मांगा। देखो हमने सीटी तो नहीं मांगा ना इस पेशेंट के अंदर, हालांकि 270 था, अगर इसका 1000 से ऊपर होता तो मैं कहती सीटी मांग लू, लेकिन अब क्योंकि ये इस वक्त ज्यादा सिनेरियो जा रहा है टूवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस, राइट? लेकिन यू नेवर नो, कई दफा आप पेशेंट को ओपन करते हो और कई दफा ट्यूमर मार्कर भी ठीक आता है, लेकिन उसकी इतनी सस्पिशियस लुकिंग सिस्ट होती है कि आप वहीं पे ही होते हो कि इसके फ्रोजन सेक्शन में कराऊं या, सो अल्ट्रासाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ द ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल। तो आप क्योंकि उस अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी आप कह सकते हो कि इसके एमरूल्स इतने ज्यादा हो रहे हैं तो मैं इसका फ्रोजन सेक्शन अरेंज रखूंगी, और फ्रोजन सेक्शन आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो सका तो भी, या फिर आप एग्जाम में भूल गए बिकॉज वी नॉर्मली डोंट डू द फ्रोजन सेक्शन थिंग ना इन इन आर वार्ड्स और इन आर क्लिनिकल प्रैक्टिस, और आप एग्जाम में कई दफा भूल भी जाते हो कि एग्जाम सिनेरियो के पीछे, तो कोई बात नहीं, आपने बाकी सारा कुछ आपने ड्यूरिंग सर्जरी आपने कहा कि मिनिमल स्पिलेज की है मैंने, आपने उसका मिनिमल स्पिलेज रखते हुए आपने सिस्टेक्टमी की या आपने ओवरेक्टमी कर दी उस साइड की, इतनी सस्पिशियस लुकिंग सॉरी ओवरी थी, तो फिर आप उसकी हिस्टोपैथोलॉजी, फिर देयर इज नो हार्म, आपने सारी अरेंजमेंट की हुई, फिर चाहे 10 दिन बाद आप दोबारा मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, क्योंकि अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो वही है क्लियरेंस, ठीक है ना, इन सी ए इफ इट्स नॉट 1A1।
तो उस हिसाब से ही आप करोगे, लेकिन ये है कि इसमें आपने दोनों चीजें साथ लेके चलनी है काउंसलिंग से ही. मैम मींस के अगर हम काउंसलिंग में ये कहेंगे कि वन ऑफ द माय डायग्नोसिस इज एंडोमेट्रियोसिस एंड आई कैन नॉट ओवरव्यू द डायग्नोसिस ऑफ द सीए, देन आई कैन कंसीडर द फ्रोजन सेक्शन फैसिलिटी इफ अवेलेबल और आई विल आल्सो काउंसल अबाउट रिलेप्रोटोमी. फ्रोजन सेक्शन फैसिलिटी आपने इस तरह नहीं बोलना, आपने एग्जामिनर को आप काउंसलिंग के वक्त आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप पेशेंट से बात कर रहे हो. आपने बताना है कि फ्रोजन सेक्शन का क्या मतलब, आपने बताना है कि आई विल अरेंज फ्रोजन सेक्शन एंड विद इफ द इफ इन फ्रोजन सेक्शन इफ द हिस्टोपैथोलॉजी कम्स आउट टू बी मैलिग्नेंट देन द डिसीजन विल बी मेड देयर एंड देन. ठीक है ना. और प्री ऑपरेटिवली मरीज और उसके रिश्तेदारों को पता हो कि सर्जरी में अगर रिपोर्ट बायोप्सी सीए की आ गई है तो ये ना हो कि मरीज तो बेहोश थी तो उसे तो पता ही नहीं कि उसकी क्लियरेंस की बात हो रही है. तो आपने प्री ऑपरेटिवली बता देना है कि अगर अगर सीए की बात आई और उसकी स्टेज ज्यादा हुई तो ये ट्रीटमेंट उसी वक्त कर दी जाएगी, वरना आप उसकी सेकेंड लुक सर्जरी करनी पड़ेगी. मैम एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, या तो प्रोटन सेक्शन करके उसी वक्त कर दें, अगर नहीं होगा तो फिर लीलिप्रोटमी हो. ये मैम कह रहे हैं जी. फायजा ने क्या पूछना. मैम ये जो सिनेरियो है इसमें हम सीटी स्कैन के बगैर हम पेशेंट कैसे खोलेंगे, मैं ये पूछना चाह रही हूं. देखो सीटी क्या है, सीटी एक आसान इन्वेस्टिगेशन नहीं है. सीए 125 की वैल्यू है 25 या इससे कम, मैंने 270 दी. जो होता है ना ये एंडोमेट्रियोसिस उसके अंदर यस 270 ये सब अगर 900 होती या इससे ज्यादा होती 800 भी होती देर इज नो रेंज के उसमें आपको कि सीटी. अगर आप सीटी कराओगे भी तो इतना गलत नहीं, आप कह सकते हो कि बिकॉज सीए 125 इसका ज्यादा है एम रूल आया हुआ है स्कैन के ऊपर तो मैं इसका सीटी करा लूंगी. अगर आप नहीं भी कराओगे तो इसमें भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है. उसके अंदर आप कह सकते हो कि सीए 125 270 तक हिस्ट्री सब फर्टिलिटी एंडोमेट्रोसिस फैमिली हिस्ट्री सीए की नहीं है और अल्ट्रासाउंड फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. इंट्रा ऑपरेटिवली मैंने फ्रोजन सेक्शन भी अरेंज किया हुआ है तो वो मैं देख सकती हूँ और मैं स्प्रेड ऑफ द डिजीज इंट्रा ऑपरेटिवली भी देख लूंगी. तो एक तरह से मरीज का एक एक्स्ट्रा खर्चा बचा रहे हैं. लेकिन अगर आप कहना चाहते हो सीटी इज नॉट अ रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन टू आस्क फॉर, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो और एक पेशेंट आपके पास ओपीडी में आई है हु इज नॉट वेरी मच अफोर्डिंग और अगेन सीटी अगर चाहे फ्री में भी हो जाता है हॉस्पिटल से उसका तो भी कोई इतना आसान काम नहीं है सीटी हॉस्पिटल से कराना, तो 270 विद दिस टाइप ऑफ फाइंडिंग्स आप अगर ना भी मांगो तो ठीक है, मांग भी लो तो जस्टिफाइड है. ठीक कह रहे हो फैजा मैम, क्योंकि इसका क्लियर कोई ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नहीं आई हुई ना, कॉम्प्लेक्स दी हुई उन्होंने ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड पे नहीं आती. आपने क्लिनिकल पूरा सिनेरियो बना के डायग्नोसिस बनाना होता है. इसीलिए ना मैम कि उसने नहीं मतलब अक्सर बेशतर अल्ट्रासाउंड में ये चीज नहीं लिखी हुई होती है, जरूरी नहीं है. आपने पूरा सिनेरियो बनाना होता है, आपकी मरीज सब फर्टिलिटी की है कॉम्प्लेक्स सिस्ट दी भी है उन्होंने और C125 270 है, बाकी सारे ट्यूमर मार्कर्स ठीक है. आपने हमेशा आप किसी एक वर्ड का इंतजार नहीं करते हो कि ये वर्ड लिखा होगा ही तो वो डायग्नोसिस बने, आप हमेशा एक कम्प्लीट सिनेरियो से अपना डायग्नोसिस बनाते हो. वो वर्ड लिखा हो सकता है भी और नहीं भी लिखा हो सकता. उस पे बात करनी है, सिद्रा ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ये मैं इस पे आ रही हूँ बिल्कुल, ये इसी पे इसके बाद आना है. और क्या क्वेश्चन उन्होंने किया है, C125 की वैल्यू मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है, एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है C125 ज्यादा, पेरिटोनियल इरिटेशन है ना, तो एंडोमेट्रियोसिस में अगर पेरिटोनियल स्पॉट्स होते हैं तो C125 ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, सो यस ठीक है, आरसीओजी गाइडलाइन ऑब्वियसली प्रेफरेंस है उसकी. अच्छा किसी ने पूछा है, सिद्रा ने, यस. अच्छा आप जब आप मैनेजमेंट बोल रहे हो एंड यू स्टार्टेड ऑफ विद द पॉइंट कि आई विल एक्सप्लेन टू हर के मैंने उसकी लिप्रोटमी करनी है, आप उसे ऑप्शंस दोगे कि उसकी उसकी सर्जरी की क्या क्या ऑप्शंस है, नंबर वन लैप्रोस्कोपी, नंबर टू लिप्रोटमी, राइट. लिप्रोटमी इसलिए क्योंकि प्रॉबेबली रिसोर्सेज नहीं आपके हॉस्पिटल में या स्किल्स, अदरवाइज यस लेप्रोस्कोपी इज डेफिनेटली बेटर. तो इसलिए मैंने नंबर वन लेप्रोस्कोपी बताया, मरीज को तो पता होना चाहिए ना उसके, क्या पता वो कहीं से जाके लेप्रोस्कोपी करा ले, उससे तो पता होना कि दुनिया में एक बेहतर ऑप्शन उसके लिए है. सो नंबर वन लेप्रोस्कोपी, और लेप्रोस्कोपी में ही बेहतर होगा.
और फिर नंबर टू लेप्रोस्कोपी में क्या करना है, लेप्रोस्कोपी में सिमिलरली आप पोर्ट डालोगे, नंबर वन पे आप उसका पेरिटोनियल वॉशिंग या पेरिटोनियल फ्लूइड लोगे, उसके बाद इंस्पेक्शन करोगे बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ओपन में बोला है, जैसे आपदा ने बोला कि ऑपोजिट साइड ऑफ ओवरी ट्यूब देखा, पीओडी देखा, सारा मेंटल देख लिया, और फिर हमने जो स्पेसिफिक टू द ओवेरियन सिस्ट वो सारे फीचर्स दोबारा बोलने, उसका कैप्सूल देखा, उसकी अडहेरेंस देखी, उसकी लुक देख ली, और उससे ज्यादा तो हम फिलहाल देख नहीं सकते, और उसके बाद आप उसका फिर आप उसका फैसला करोगे कि क्या करना है। उसमें एग्जाम में बेहतर ये है कि बिकॉज प्री ऑपरेटिवली तो आप सारी काउंसलिंग कर रहे हो, तो एग्जाम में बेहतर ये है कि आप यही कहो क्या उस पेशेंट का जो सारा कुछ है ना वो एंडोमेट्रियोसिस वाला बोल दो, पाउडर बर्न उसके स्पॉट्स है, उसका ओवेरियन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, और फिर उसकी सिस्टेक्टमी करो, चॉकलेट मटीरियल देखो, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ओवेरियन सिस्ट वॉल करो, और फिर आगे पेटेंसी चेक करो, अपनी तरफ से पेटेंट कर देना ट्यूब्स और आगे करो, ठीक है ना। मैम इसमें कीमो के लिए कंसल्ट करना चाहिए या नहीं, नहीं। क्योंकि एक तो हमने एंडोमेट्रियोसिस और दूसरा अभी से नहीं कीमो की बात करिए, एक्सेप्ट कि आपका ट्यूमर मार्कर्स बहुत ज्यादा है, और जैसे फैजा ने कहा सीटी कराया, सीटी के ऊपर अगर आपको स्प्रेड मिल गया एंड यू नो कि इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स मैलिग्नेंसी एंड इट्स अ हायर स्टेज ऑफ मैलिग्नेंसी, तो फिर आप प्री ऑपरेटिवली कीमो की बात कर सकते हो, उसके अलावा नहीं, वरना वो मरीज के लिए बहुत परेशान कन बात होती है। आपने ये जैसे हमारे हमारी पेशेंट है जिसमें हम एंडोमेट्रियोसिस उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन अभी इन्वेस्टिगेशन के अनीसा को बोलने दो ना पहले, तो उसके लिए तो लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी ठीक है, लेकिन अगर मैलिग्नेंट नेचर ऑफ मास है फिर तो स्टेजिंग लेप्रोस्कोपी बेस्ट है उसके लिए कि हम मिडलाइन इंसिजन से आप कह सकते हो उसके अंदर बेस्ट आप कह सकते हो अगर ज्यादा चांसेस, लेकिन अगर आप मैलिग्नेंट में भी अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो लेप्रोस्कोपी इज वेरी गुड, आप उसके अंदर एंडोबैग यूज करते हो, स्पिलेज को रोकते हो, लेकिन आप अगर मैलिग्नेंट सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि मैं स्पिलेज को मिनिमाइज करने के लिए मैं ओपन कर लूंगी, ठीक है, उसके अंदर फिर भी ओपन का पहले कह सकते हो, ठीक है। अच्छा क्या 18 सेंटीमीटर, अगेन देखो अगर 18 सेंटीमीटर बिग साइज, उसके अंदर डायरेक्ट सीटी की बात ना करो ना, पहले बी और एम रूल देखो और उसके साथ ट्यूमर मार्कर्स, और अगर कई दफा मैंने आपको कहा है कि ट्यूमर मार्कर नॉर्मल है लेकिन एम रूल इतने ज्यादा आ रहे हैं 18 सेंटीमीटर से, तो आप सीटी करा सकते हो लेकिन ट्यूमर मार्कर्स की अपनी वैल्यू पर है। स्पिलेज की बात मैंने कि अगर सॉरी लेप्रोस्कोपी कर रहे हो तो उसके अंदर स्पिलेज के चांसेस अदरवाइज ज्यादा होते हैं, बट इफ यू यूज एंडोबैग एंड यू हैव गुड एक्सपर्टीज तो फिर स्पिलेज नहीं होता, लेकिन उसके अगर आप मैलिग्नेंट ज्यादा सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हो ओपन सर्जरी नंबर वन पे कह के ओपन सर्जरी में तो आप स्पिलेज ज्यादा आसानी से बचा सकते हो, सो इस वजह से स्टेज आगे ना बढ़ जाए इसलिए। जी मैडम आई विल शेयर वन थिंग विद यू मैडम, जो है वो मेरे एक्सपीरियंस में एक पेशेंट था मैडम, इनफर्टाइल था और जो है वो अल्ट्रासाउंड में पूरे उसके बेनाइन फीचर्स थे और ट्यूमर मार्कर जो थे वो मतलब नॉर्मल थे सब, लेकिन मैडम जब ओपन किया ना वो रिट्रोपेरिटोनियल, आई हैव सीन सच पेशेंट एज वेल मैडम, देखो अगर ऐसा एग्जाम है, यही मैंने कहा कि आपका वैसे केस ऐसा जाना चाहिए कि एग्जामिनर इतनी फजूल बात एंड पे ना करे कि वो तो मैलिग्नेंट ही निकला है नॉइजली, लेकिन अगर आ गया तो देखो हम भी इंसान है, कोई इन्वेस्टिगेशन 100% है नहीं, तो फिर आप बिल्कुल आप कह सकते हो, क्योंकि बेशक पेशेंट पोस्ट ऑप में भी शिफ्ट हो गई, घर भी चली गई, 10 दिन बाद उसकी रिपोर्ट बायोप्सी की आ गई, तो आप कह सकते हो इट्स अ वेरी अनयूजुअल केस, अनफॉर्चुनेटली इट हैज कम आउट टू बी मैलिग्नेंट, तो फिर अब से आगे उसको एज मैलिग्नेंट लेके चलेंगे, बट यस दिस हैपेंस कि अल्ट्रासाउंड ने भी नहीं बताया, यहाँ तक कि ट्यूमर मार्कर्स जिस तरह मैंने कहा कि कई दफा ट्यूमर मार्कर नॉर्मल भी आ जाते हैं, तो फिर लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी सिस्ट कर रहे हो, जैसे किसी डॉक्टर ने भी क्वेश्चन किया कि 18 सेंटीमीटर की सिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके अंदर इंट्रा ऑपरेटिवली फाइंडिंग के अकॉर्डिंगली फ्रोजन सेक्शन उस वक्त भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि जो सस्पिशियस होती है वो फिर इंट्रा ऑपरेटिवली सस्पिशियस होती है, लग रही होती है। मैम इसमें काउंसलिंग में स्टेज वाइज काउंसलिंग भी आएगी, क्योंकि ये तो यंग है ना, क्या स्टेज वाइज, अगर ये स्टेज आएगी तो हम मतलब के स्टेज 1A में उसके अंदर अगर आपका ज्यादा केस जा रहा है मैलिग्नेंसी की तरफ फिर आप बिल्कुल कर सकते हो। गुड फायजा की थ्योरी मैडम, लेप्रोस्कोपी अगर करेंगे तो उसमें सिस्ट की साइज लिमिट क्या होगी कि इतने में हम, एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, कोई लिमिट नहीं होती, मतलब 18 सेंटीमीटर की सिस्ट भी है तो भी करेंगे लेप्रोस्कोपी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं बड़े आराम से, और पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस में ओवेरियन रिजर्व की बात ना करना,
आपने कहना कि मैंने सर्जरी ऐसी की कि उसका अच्छा ओवेरियन रिजर्व रह गया। वैसे भी आप सर्जरी कर रहे हो, सर्जन जब सर्जरी करते हैं फिर ओवेरियन रिजर्व कम होता है, जब गायनोकोलॉजिस्ट करता है वो ओवरी को जेंटली हैंडल करता है और फिर मतलब देख के। और अगर एंडोमेट्रियोसिस फॉर एग्जांपल इतना ज्यादा है या पेशेंट रिकरिंग एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करा रही है जिसमें ऑलरेडी आपको लग रहा है कि ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है, जैसे कि उस केस में हम प्री ऑपरेटिवली भी एएमएच करा सकते हैं जो कि रिपीटेडली एंडोमेट्रियोसिस का केस है, तो उसके अंदर अगर आपको लगता है कि इस दफा अगर मैं एंडोमेट्रियोसिस के इसकी ओवरी में से निकालूंगी और ओवरी बहुत छोटी रह जाएगी, यानी कि इंट्राऑपरेटिवली आपको लग रहा है कि अब ओवेरियन रिजर्व इसका कम होगा, तो रिकमेंडेड है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, स्टडीज के अंदर भी है गाइडलाइन में कि यू कैन इवन लीव बिहाइंड अ बिट ऑफ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट वॉल इनसाइड इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर ओवेरियन रिजर्व लेस। ठीक है ना, उसका एक सबफर्टिलिटी वाले मरीज का ओवेरियन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर आपको लगता है कि रिकरिंग ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हो रही है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एक ओवरी पहले किसी ने निकाली भी है और अब इस ओवरी में से फिर आप एंडोमेट्रियोसिस की निकाल रहे हो सिस्ट और अब बहुत छोटी ओवरी रह जाने वाली है, तो आप आधी भी निकाल सकते हो सिस्ट वॉल ओवेरियन रिजर्व बचाने के लिए और फिर फौरन से उसकी फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करके उसके ओवम फ्रीज कर सकते हो या ओवम को आप एम्ब्रियो फ्रीज कर सकते हो। सो द थिंग इज के इस तरह का डिसीजन भी फिर इंट्राऑपरेटिवली लिया जाता है फॉर द ओवेरियन रिजर्व, लेकिन एक आम से मरीज के अंदर बात करने की जरूरत नहीं है ओवेरियन रिजर्व की। डॉक्टर जब हम इसकी लैप्रोस्कोपी करें सिस्टेक्टमी करेंगे तो हम इसकी ट्यूबल पोटेंसी भी तो चेक कर लेंगे, जाहिर है अगर बिल्कुल करेंगे, अगर ट्यूबल पैटर्न हुई तो सेक्शन विद आईयूआई, बिल्कुल गुड एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक, चलो गुड। आई थिंक प्री मेनोपॉज में हमने कवर पूरा कर ही लिया, नेक्स्ट टाइम चाहे हम पोस्ट मेनोपॉज में कर लेंगे या जो भी टॉपिक, कोई एक फिर वॉलंटियर भी कर लेना, एकदम से वॉलंटियर वाला जो होता है ना वो अगले बंदे के ऊपर सर पे पड़ जाती है, लेकिन आप दैट डिड वेल गुड, कुछ कुछ चीजें बस ऐड कर लेना मैम प्लीज, आप एक दो सिनेरियोस इस तरह के हमें और करवा दें ताकि हमारी ये अगली क्लास में भी ओवेरियन कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है मैडम, जीएनआरएच का रोल होगा इसमें, जीएनआरएच का लेटर ऑन अगर एंडोमेट्रियोसिस है वो बाद में ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम।